अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सतेंद्र शर्मा। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कह चुकी थी। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने। ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला को हराना और आसान होगा। बाइडेन की चिट्ठी की 4 अहम बातें क्या है तो आइए उसे भी जानते हैं। पहला है, 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए। दूसरी अहम बात, अमेरिका जितना बेहतर स्थिति में है इतना पहले कभी नहीं रहा। मैं जानता हूं कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता है। तीसरा है, हम साथ रहकर ही महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे। हमने डेमोक्रेसी को बचाया, हमने दुनिया में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। चौथा, प्रेसिडेंट के तौर पर देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं बेहतर पार्टनर के तौर पर मेरे साथ काम करने वाली कमला हैरिस को भी धन्यवाद देता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी से अभी तक किसी ने कमला के खिलाफ अपना नाम आगे नहीं किया है। कमला ने साफ किया है कि अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे उसे स्वीकार करेंगी। कोई डेमोक्रेटिक कमला को चुनौती देता चाहता है तो उसे 600 प्रतिनिधियों के समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में बहुमत समर्थन जुटाना होगा। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन मिलते ही कमला की टीम एक्टिव हो गई है। बाइडेन के कैंपेन का नाम बदलकर हैरिस फॉर प्रेसिडेंट कर दिया गया है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म एक्ट ब्लू को बाइडेन के नाम वापस लेने और कमला हैरिस को समर्थन मिलने के 5 घंटे में $27.5 मिलियन यानी $230 करोड़ मिले हैं। इससे पहले जब बाइडेन उम्मीदवारी नहीं छोड़ रहे थे तब कई लोगों ने पार्टी को दिया फंड को सीज कर दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक बाइडेन कमला के नाम पर 2007 करोड़ रुपए का चंदा जमा कर चुकी है। पिछले महीने 27 जून को अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। CNN के स्टूडियो में हुई इस डिबेट में बाइडेन ट्रंप के सामने कमजोर और असहज होते दिखे। डिबेट के बाद हुए पोल्स में ट्रंप को 67% लोगों ने डिबेट का विजेता माना था, जबकि बाइडेन को सिर्फ 37% लोगों ने डिबेट में जीता हुआ माना था। डिबेट में हार के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। बाइडेन की बढ़ती हुई उम्र और खराब होता स्वास्थ्य उनकी उम्मीदवारी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता था। बाइडेन कई मौके पर प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ाते और गिरते हुए नजर आते थे। चीजों को भूलने को लेकर पर उनको सवाल उठते थे। भाषण के दौरान कई बार उन्हें चीजों को भूलते देखा गया। इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी पर कई बार सवाल उठा चुके थे। इसके चलते वे अपने ही पार्टी में भरोसा नहीं जीत पा रहे थे। 13 जुलाई की शाम पेंसिल्वेनिया में बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद जनता में ट्रंप के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी, जिसका सीधा साधा फायदा ट्रंप को चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन उनके सामने एक कमजोर उम्मीदवार नजर नहीं आना चाहते थे। पार्टी में बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बाइडेन के लिए खराब बता दिया था। इसके बाद से ओबामा लॉबी बाइडेन को हटाने के लिए कह रही थी, लेकिन अब जब कमला हैरिस का नाम उन्होंने आगे किया है तो अब देखना होगा कि पार्टी किसे मौका देती है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाती है तो कमला हैरिस का जो सीधे टक्कर है वो डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला है। और अभी फिलहाल जो निकल के सामने आ रही है बात, उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 महीने बाद होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में कौन बाजी मारता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव और दिलचस्प बना दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।